दिस इज़ मनीष, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक गोवा का है, गोवा टूरिज्म को लेकर के। आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं गोवा को लेकर के कि गोवा में कहाँ पे घूमना चाहिए, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल का। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। उसमें यह होगा, एक तो है होटल और एक ट्रांसपोर्ट और एक विजिटिंग प्लेसेस कि वहाँ पे कौन कौन से विजिटिंग प्लेसेस हैं। तो मैं इन चीज़ों की कुछ डिटेल्स दूंगा, हो सकता है वो आपके लिए यूज़फुल हो, वो आपके काम आए आगे अगर आप गोवा जा रहे हैं तो कभी। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होता है आपका रेलवे टिकट और फ्लाइट टिकट से। तो आप जिस सिटी से आप निकल रहे हैं तो उसकी एक तो ट्रेन टिकट हो जाएगी इंक्लूड, वो आप खुद सेल्फ करेंगे या किसी के थ्रू करेंगे, एयर टिकट या ट्रेन टिकट। ओके, उसके बाद आपका आता है वहाँ पे एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के बाद आपको गाड़ी कहाँ से मिलेगी आपके होटल तक जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद होटल उसके बाद आएगा। तो ट्रांसपोर्ट है पहले, तो ट्रांसपोर्ट आपको एक तो आप वहाँ पे मडगांव रेलवे स्टेशन है गोवा में, अगर आप समझ लीजिए दिल्ली से जा रहे हैं, दिल्ली से मडगांव तक की ट्रेन है, अवेलेबल है, चाहे आपकी सिटी से भी आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि दिल्ली से आप मडगांव जा रहे हैं। ठीक है, मडगांव पहुँचे, मडगांव रेलवे स्टेशन के बाद आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। आप समझ लीजिए साउथ गोवा में आपका स्टे है, मडगांव से साउथ गोवा पास में ही है। अगर आपका नॉर्थ गोवा में है तो वो करीबन 60-70 किलोमीटर दूर है नॉर्थ गोवा मडगांव से। तो उसका कुछ एक्सपेंस है, अगर आप वहाँ से बस करते हैं तो बस में तो ज़्यादा नहीं आएगा, 50-60 रुपये खर्चा आएगा। ठीक है, और अगर आप कोई प्राइवेट टैक्सी कराते हैं तो टैक्सी में आपका लगेगा कुछ 1500 से 2000 रुपये लगेगा। हो सकता है 1000 रुपये में भी हो जाए, बट मैं मान के चल रहा हूँ 1500 रुपये लगेगा एक गाड़ी का, चार लोगों के लिए करीबन। अगर जैसे कोई बड़ी गाड़ी कराते हैं तो उसका अलग चार्ज है। उसके बाद आता है होटल। होटल आपको वहाँ पे 1 स्टार मिल जाएगा, 2 स्टार मिल जाएगा और 5 स्टार तक मिल जाएगा आपको। वो आपके बजट के अकॉर्डिंग है कि आपको कौन सा होटल चाहिए। मैं आपको कुछ नाम मेंशन कर देता हूँ 3 स्टार होटल, 4 स्टार, 5 स्टार होटल के। ठीक है, उसमें जो बेस्ट होटल है वहाँ पे वो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि आपको कोई होटल बुक करना हो अगर 3 स्टार में या 4 स्टार में या 5 स्टार में, तो वो होटल आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, उसकी रेटिंग भी अच्छी है और सर्विसेज भी अच्छी है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद ही होटल ये हो गया। उसके बाद आता है साइट सींग। तो साइट सींग में आपका एक तो आएगा नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। ठीक है, ये मेनली 2 दिन के होते हैं टूर, फुल डे टूर है। नॉर्थ गोवा का फुल डे टूर रहता है और साउथ गोवा का फुल डे टूर रहता है। तो आपने कुछ बीचेस के नाम सुने होंगे, कैनमगट बीच, बागा बीच, अंजुना बीच, इन बीचों के नाम सुने होंगे। तो ये आते हैं नॉर्थ गोवा में, ये 3 बीचेस हैं जो बहुत अच्छे हैं। कैनमगट बीच बहुत ज़्यादा मोस्ट हैपनिंग प्लेस है जहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, अगर आप साउथ गोवा में कोई टूर करते हो तो साउथ गोवा में आपका आता है दूध सागर वाटरफॉल, कोलवा बीच,
क्या बोलते हैं, रामा फोर्ट, ये तीन प्लेसेस हैं जो ज़्यादा हैपनिंग है, ज़्यादा मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस हैं। दूध सागर, एक्चुअली दूध सागर वाटरफॉल है वो फुल डे टूर है। अगर आप दूध सागर वाटरफॉल जा रहे हैं तो उसको मेरे हिसाब से पूरा दिन देना चाहिए। अगर आप कोलवा बीच भी आप विजिट करना चाहते हैं तो इवनिंग में कर सकते हैं, बट दूध सागर वाटरफॉल ज़्यादा अच्छा है। दूध सागर वाटरफॉल उसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ का जो वाटरफॉल है मिल्क का कलर जैसा है, बिल्कुल वाइट कलर का वाटरफॉल होता है, तो उसको दूध सागर वाटरफॉल कहा जाता है। और ये पंजिम से 60 किलोमीटर दूर है। बैचलर से हमको बजट टूर करना है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, तो उनके लिए सर्विसेज ये हैं कि वो ट्रेन टिकट कराएं या फ्लाइट टिकट कराएं उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद वहाँ पे मडगांव में या एयरपोर्ट के पास में वहाँ पे आसपास हमको ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, लोकल ट्रांसपोर्ट, जैसे कोई एक्टिवा हुआ या कोई बाइक हुई या जूम कार हुआ, तो ये सर्विसेज वहाँ पे जगह जगह पे अवेलेबल है, या आप गूगल के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये तो हो गया बजट में, अगर आप कर रहे हो तो ये बजट में आप कर सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप टैक्सी बुक कर सकते हो वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ओके। और उसके अलावा होटल में भी आपको बजट होटल मिल जाएगा। होटल की स्टार्टिंग वहाँ पे कुछ 800 रुपये से स्टार्टिंग है, 3 स्टार होटल का 800 रुपये पर रूम मिल जाएगा पर नाइट आपको, ठीक है। 800 से स्टार्टिंग है, और वो 800 रुपये का जो होटल होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा, बट एडजस्ट आप कर सकते हो उस होटल में अगर आपका बजट कम है तो। अगर आपका बजट में आप टूर कर रहे हैं तो आपके लिए 3 दिन इनफ है। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप 5 दिन भी स्पेंड कर सकते हैं। वहाँ पे और भी प्लेसेस हैं, नॉर्थ गोवा में म्यूजियम्स हैं, साउथ गोवा में म्यूजियम्स हैं, साउथ गोवा में मंडोवी क्रूज है जो इवनिंग में इंजॉय किया जा सकता है डिनर के साथ। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर सच में यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।